जो आदमी जीवन में गरीबी को दुख मान लेता है, समझ लेता है कि गरीबी मेरे लिए दुख है, तो क्या करता है वो? सबसे पहले उस गरीबी को दूर करने का प्रयास करता है। जब गरीबी दूर हो जाती है तो क्या आता है, क्या रहेगा बताइए मुझे आप? अमीरी आएगी ना, वैभव आएगा, जितनी भी आपको सुख सुविधा चाहिए सब आएंगी। लेकिन जो आदमी अपने जीवन में गरीब है लेकिन गरीबी को महसूस ना करे, तो कभी उसका दुख दूर हो सकता है क्या? कभी अमीर बन सकता है वो? बताइए मुझे। लेकिन जो आदमी गरीबी को महसूस करके गरीबी को दूर कर देगा, वो जीवन में अमीर बन जाएगा। तो भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है, बताइए कैसी है? दूसरे धर्मों की फिलॉसफी क्या है और भगवान बुद्ध की फिलॉसफी क्या है? आपके जीवन के एक एक दुख को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने की फिलॉसफी है। ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं। तो आदरणीय वाड़ावासियों, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक दिन में ना तो मैं इतना कह पाऊंगा, और अगर कह भी दिया तो आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए ये बताइए आप। यहां मैं कोई मजे लेने तो आया नहीं हूं, दिन रात जो ऐसी काम में कर रहे हैं, बहुत मेहनत करी है और भी मेहनत कर रहे हैं, आप बताइए क्या करना है? कुछ करने की प्लानिंग करने का, यहां से निर्णय लेके उठेंगे तो फायदा है आज फूल चढ़ाने का, नहीं तो कोई बात नहीं है, चल ही रहा है जीवन। बताइए क्या करना है, या तो आप बताइए नहीं तो मुझसे पूछ लीजिए, दो ही बात हो सकती है। या तो आप बताइए कि भाई हमारे पास एक योजना है। अच्छा चलो, मुझे ही बुलाओगे? नहीं मुझे ही बुलाओ, किसी और को बुलाओगे? ऐसा है, हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। मुझे कब तक बुलाओगे? और 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, मान लो कि मुझे ही बुलाना है, इतने ही बुला पाओगे? उसके बाद खत्म। उसके बाद हमें आप तो सक्रिय आदमी गुरु के चरणों पर हो जाएगा, आप तो तेज हो जाओ, अपने खेलना छोड़ दे। हमें इसी गांव में पेड़ लगाने हैं, इसी गांव में उसका इंतजाम करना है, बस ये वाली बात है। तो पेड़ तो लग चुका है, आपको जो है उसका हिस्सा बनना है। बड़ा आसान काम है, मैंने आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं छोड़ा, मैंने ये कह दिया है। और मैंने जो मैं कह रहा हूं ना, मैंने करा ना, इसको मैंने हम कर दिया। जब हमने संघ बनाया तो उस संघ में मेरे पास कोई पद नहीं है, उस संघ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, औकात नहीं है। वैल्यू है, किसी की वैल्यू है? जितनी वैल्यू आपकी है, अभी आप संघ के सदस्य तो नहीं हो, लेकिन जितनी वैल्यू आपकी उतनी वैल्यू मेरी है। कैसे है? जब आप संघ के सामने कोई बात कहोगे तो संघ आपकी बात को सुनेगा, संघ जैसे आपकी बात को सुनेगा, संघ वैसे ही मेरी बात को भी सुनेगा। ये वैल्यू है, ऐसा संघ है। तो संघ का निर्माण हो गया है, और किसी के लिए कोई अपमान वाली बात नहीं, सबके सम्मान की बात है। और हम व्यवहार करना सिखाते हैं, और जो कोर्स है, कोर्स आपको देंगे, और आपने केवल अपना जो है एडमिशन करवाना है स्कूल में। ऑनलाइन स्कूल है, रोज सुबह 5:15 से लेकर 8 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, और रात को 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक मीटिंग चलती है। केवल 2 प्राइम टाइम है हमारे पास, सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, और शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। इस दौरान जो है हमारे मुख्य काम होते हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग चलती रहती है, ट्रेनिंग। इसके अलावा हमने जो है इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट खोला है, जिसमें हम जो हमारे जो बच्चे हैं, ये इनकी शिक्षा का कार्यक्रम चलाएंगे, उसमें हम टीचर लेकर आएंगे, ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे कई बच्चे आचार्य हैं, जो कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 6ठी में पढ़ रहा है, कोई 8वीं पढ़ रहा है, तो उनकी शिक्षा का भी कार्यक्रम हमें ही देखना है, हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल जो है इन मीटिंग्स में जो भी टाइम मिलता है, सुबह टाइम मिलता है, सुबह जुड़ जाइए, मोबाइल पर जुड़ना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मोबाइल पर जुड़ के आप कोई काम कर रहे हो, मोबाइल को चालू करके यहां रख दो, आपका काम भी चलता रहेगा और आप धम्म का ज्ञान भी लेते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, उच्चारण करते रहोगे। अभी जितनी भी मैंने बातें आपको पाली में बताई हैं, ये पाली आपको भी बोलनी आ जाएगी, मैडम को सिखा दिया है, मैडम आ गई। ऐसे 65 लोगों को हमने तैयार कर दिया है, आज वो पाली में पूरा उच्चारण करते हैं। और इतना ही नहीं है, जो प्रथम वर्ष का कोर्स है उससे अब आगे बढ़ गए हैं, संस्कार करवाने लगेंगे। अब जो है कुछ ही दिनों में हमारे संस्कार शुरू हो जाएंगे। तो ये वाला काम करना है।
बताइए कितने लोग तैयार हैं? सारा है तैयार। आप तैयार हैं? बेटा तुम भी तैयार हो? अच्छा तैयार हो तो ठीक है, जिम्मेदारी कौन लेगा जिससे हम ये कह सकें, जांच कर सकें कि भाई काम हुआ नहीं हुआ, कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं यहां हूं तो चलो इनका मान सम्मान रखने के लिए कुछ कह दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे मुंह पे मना कर दो मुझे बुरा नहीं लगेगा, जब बाबा साहब के सामने खड़ा होकर आप बुरा बुरा बोलते रहते हो, जब उन्हें बुरा नहीं लगता तो मुझे बुरा लगेगा है? मैं कोई अपने घर का काम तो कर नहीं रहा जो मेरे बुरा लगेगा, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इस काम को करने से आपका कल्याण हो सकता है तो करो, आपको लगता है कि इस काम को करने से आपका कल्याण नहीं हो सकता बिल्कुल मत करो। बाबा साहेब ने आपको जबरदस्ती नहीं करी है, भगवान बुद्ध ने कभी जबरदस्ती नहीं करी है। हमारा जो मिशन है जोर जबरदस्ती का मिशन तो है ही नहीं, जोर जबरदस्ती का मिशन चलाने वाले मुस्लिम लोग हैं जो बंदूक की गोली की नोक पे जो है वो अपना मिशन चलाते हैं, बनो मुसलमान बनो करो जिहाद। हिंदू चलाते हैं बोलो जय श्री राम, ईसाई चलाते हैं, बौद्धों का ये मिशन कभी नहीं है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने में कहीं पर भी हिंसा का प्रयोग किया, कभी नहीं सुना। और पूरी दुनिया में फैला, आज भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सबसे बड़ा धर्म है। कोई कह सकता है कि ये तीसरे नंबर का धर्म है? पहले नंबर पे ईसाई धर्म, दूसरे पे मुस्लिम, या पहले पे मुस्लिम और दूसरे पे ईसाई, फिर तीसरे पे बौद्ध, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। वो किस लिए कहते हैं? संख्या के आधार पर कहते हैं कि कितने लोग जो हैं इस धर्म को फॉलो करते हैं इस आधार पर। लेकिन सर्वश्रेष्ठ किसे कहते हैं? जो दुनिया का कल्याण कर सके वो सर्वश्रेष्ठ है, या जो दुनिया के लिए नफरत और हिंसा पैदा करे वो सर्वश्रेष्ठ? बताइए सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो बौद्ध धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसने आज तक अपने प्रचार प्रसार के लिए कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करा, जिसके शास्त्रा ने भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, कभी नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि कभी भी किसी से सुनकर कि भगवान बुद्ध दिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ये सुनकर जो है मेरी शरण में मत आ जाना। अपने दिमाग से पहले खोज करना, प्रश्न करना, अपने संदेहों को मिटाना, तब मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, उस मार्ग पर तुम्हें चलना पड़ेगा, और जब तुम उस मार्ग पर चलोगे तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। ऐसा केवल भगवान बुद्ध कहते हैं, बाकी तो कहते हैं बस मेरी शरण में आ जाओ, और मेरी शरण में नहीं आओगे तो जहन्नम में जाओगे, नरक में जाओगे, ऐसे ही बोलते हैं ना, डर दिखाते हैं। भगवान बुद्ध ने कोई डर नहीं दिखाया, सीधा सिंपल सा धर्म दिया, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं। जैसे आप जीते हो मैं पानी पी रहा हूं तो प्यास बुझेगी, सीधी सी सिद्धांत है ये, दुनिया का कोई भी आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और भगवान बुद्ध की ऐसी बातें हैं। बताइए कितने लोग करेंगे इस मिशन को पूरा? बाबा साहेब मिशन है, मेरा मिशन नहीं है, मैं कोई अलग से काम नहीं कर रहा हूं, मैंने तो खाली उसमें जो है एक वो जोड़ दिया स्टेप जो है, और उसमें भी आप जो है अपनी सलाह दीजिए वहां पर आकर कि जी वकील साहब इसमें काम करो, इसमें ये जोड़ लो, तो संघ निर्णय करेगा। आप और मैं प्रस्ताव कर सकते हैं, संघ निर्णय करेगा, संघ में आप भी हो मैं भी हूं, आपका भी मत रहेगा मेरा भी मत रहेगा, हम भी कहेंगे हाँ जी करना चाहिए, हाँ जी नहीं करना चाहिए, बहुमत से जो फैसला हो जाएगा उसको मान लेते हैं। बड़ा आसान काम है। अभी जो हम आपस में लड़ रहे थे, क्या मेरे को नहीं पूछा, मेरे को नहीं पूछा, ये लड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर संघ बन जाए और यहीं पर जो है आराम से बात रखो। जी मेरे को कुछ कहना है जी, हाँ बताओ क्या कहना है। ऐसा है जी इस आदमी ने कल मुझे गाली दी, आराम से कहिए। हम क्या करते हैं, हम तो चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसमें गाली कैसे दी, इसे तो ना समस्या हल होगी। समस्या हल होगी कि हमारा संघ बैठा हुआ है, इतने लोग बैठे हुए हैं, काय के लिए बैठे हुए हैं ये, हम इनसे कहें कि जी मुझे उसने गाली दी थी, तो वो उससे पूछे हाँ भैया इधर आओ आपने गाली दी थी इनको, वो बोलेगा जी ये बात हुई थी, तो भाई तुमने गाली क्यों दी, इतनी आराम से बात होगी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन हमारी आदतों में ये शामिल नहीं है, हमारे दिमाग में जहर घोल रखा है, ब्राह्मण संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, दुनिया भर की संस्कृति आके हमारे दिमाग में घुस गई और हमारी संस्कृति जो मौलिक संस्कृति वो निकल गई। तो बताइए अब कार्यक्रम को जो है समाप्त करते हैं कि क्या करना है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है इस गांव की, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाड़रा गांव जो है ऐतिहासिक हो सकता है और आज ऐतिहासिक दिन है। एक बार गांव बोले जी 39 गांव ला चुके हैं, 39 गांव पे हाँ तो बताओ ना, यहाँ की तो आप ही प्लानिंग कर सकते हो, आप बता सकते हो। मैं तो देखो जी ऐसा है, मैं तो आपके आदेश का पालन करने वाला हूँ, मुझे तो आप आदेश करो मैं तो वो काम करूंगा। मैं तो
देखो जी मेरी तो एक सलाह है, हाँ छोटी जी मेरी सोच लगा लो, मेरी सोच किया सेकंड मान लो